तो राम राम भाई, सभी को आप सबका स्वागत है मैक्सिस फिटनेस एंड ब्लॉग में। और भाई साहब ये देख रहे हो, अरे भाई साहब अपने लैपटॉप पे चढ़ गई है, लेमिनेशन करवा रहे हैं। गौरव भाई ने मौज कर रखी है। भाई क्या बहन जाए हमारा, भाई तो अभी कह देते हैं कभी कभी मजाक मजाक में। भाई देखो हमारा मैकबुक कितना प्यारा लग रहा है, देखो यार आगे पीछे बहन जी ने कर दिया, आगे पीछे से देखो। आपको अंदर से दिखा दूं, अंदर से देखो। और इस काम को करवाने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा गौरव भाई, बताओ जरा। मर्डर सेक्रेटिंग सावित्री मार्केट शॉप नंबर G22 गौरव भाई लैमिनेशन वाले। ये बात सब चीज मिलेगी, सब A to Z। फोन पे करवा लो, किसी को करवा लो भाई, एक तरफा काम है। ऐसा है हमें ग्राउंड पे पहुंचना है बहुत जल्दी। और भाई साहब हम हो रहे हैं लेट, बहुत ही ज्यादा लेट। क्या हो रहे हैं यार, अवनीश भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और फोन पे फोन आ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी पहुंचे, लेकिन क्या करें भाई, ट्रैफिक भी तो होता है यार, ऐसे ही थोड़ी पहुंच जाएंगे। और लैपटॉप हमारा कैसा लग रहा है बताना यार, जरा मस्त और जबरदस्त हो रहा है काम। तो भाई देखो ऐसा है, सेक्टर 18 से निकल के पहुंच गए भाई अपने ग्राउंड पे। भाई मैंने वहीं से कह दिया किसी भी रेस्टोरेंट बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने को अपने आप आ जाएगा। अब नहीं भाई, अब ये देखना है कौन से कैफे बैठे हैं इस वक्त। भाई साहब ऊपर बैठे हैं क्या? नहीं नहीं नीचे होंगे, ढूंढो भाई ढूंढो। ये लो भाई अवनीश भाई से मिल लिए। अरे उधर से व्लॉगिंग, अरे शुरू करो ना, शुरू करो जल्दी जल्दी शुरू करो। ए, ए, ए। देखो जब दो इन्फ्लुएंसर मिलते हैं तो ऐसे बातें होती है। देखो ए, ये देखो जैसे जिससे मिलवा रहे थे वो थे हमारे मैक्स भाई। हाँ मैक्स भाई फोन नीचे रख लो ना। अरे नीचे कर लूँ भाई, टाइम कितना हो रहा है वैसे? टाइम क्या भाई, हमने देखो धोखाधड़ी करी है भाई के साथ। दो घंटे की, एक घंटे, चलो एक घंटे की करी, आगे पीछे कर लिया, एक घंटे की धोखाधड़ी है मैक्सिमम। मुझे ज्यादा हो गया मुझे पता है ना, क्योंकि हम गाड़ी से निकले, ये काम भी करवाया, आज ये खरीदाया ना एक नया मैकबुक की जरूरत पड़ रही थी बहुत ज्यादा। क्या हो गया, काम बढ़ रहा है तो चीजें कौन से, एक नंबर की दो नंबर? नहीं एक नंबर का काम करवा के लाए, कहते ही न्यू खरीदा है आज ही, लेमिनेशन वगैरह निमट वाली इस पे। अरे मैक्सिस फिटनेस दिखा वे, चीता ही कह दे, एक नंबर लग रहा है भाई, ऐसा बढ़िया नहीं लग रहा? अरे एक नंबर लग रहा, बच्चे कर रहे हैं मेहनत, फुल मेहनत कर रहे हैं, और उनको देख के अवनीश भाई का भी मन कर गया भाई, मेरा तो थोड़ा कभी डंबल मार रहे हैं, देखो जैकेट उतार के धर दी है, कभी डंबल मार रहे हैं, कभी थोड़ा 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 मतलब कर रहे हैं, मन कर रहा है कि हाँ मैं कुछ कर लूं भाई, शरीर गर्म नहीं किया है ना। हाँ थोड़ा सा कभी थोड़ा डंबल मार लेते हैं, फिर बातें चलती रहती हैं, फिर थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, मतलब मजा आ रहा है। नहीं किसी दिन में आओगे ना, अखाड़ा खोदेंगे मिलके। आधी चीज पे तो डीमोटिवेट कर दिया आपने कि एक्सरसाइज करोगे पैर छिल जाएंगे। अरे नहीं वो वहाँ का है, अखाड़े में अंदर वहाँ जहाँ मैं करता हूँ रेसलिंग अंदर, तो वो वहाँ का है। तो यहाँ का तो ये है कि जो हम करवाएंगे प्यार से बिल्कुल आराम से, वो करना है यहाँ, तो यहाँ पे मजा आएगा बिल्कुल बढ़िया। हाँ अरे भाई मैं कहता रहा हूँ, इनको देख देख के आपको जोश आ गया, रात को ये लग रहे हैं अभी इनको। ये है मैंने, मेरे पास भाई जो भाई, पहले सुविधा नहीं थी, इतने नशे करने को है, इससे बढ़िया नशा फिर क्या है? इससे अच्छा नशा नहीं, रात में पहले डंबल नहीं थे, सबने देखा था मेरे उसमें एकेडमी में, देखो डंबल भाई बढ़ चुके हैं, डंबल है डंबल है डंबल है डंबल है डंबल है डंबल है डंबल है, मतलब डंबल डंबल हो गए हैं कोरे, मतलब रोड भी चेंज हो चुकी है। देखो भाई हमने कुछ चीजें बढ़ा दी अपने भाइयों के लिए, ठीक है? तो भाई आ सकते हो और मेहनत कर सकते हो, बिल्कुल मैंने बोल रखा है कोई भी आ सकता है मेहनत कर सकता है। मैक्स जैसी फिटनेस अपने गूगल मैप पे डालो, पहुंच जाओगे भाई। अगर मतलब किसी को आके यहाँ पे वर्कआउट करना है प्रॉपर, भाई अगर उसका है कि भाई वर्कआउट करना है कर सकते हैं, तो क्या डाले नोएडा, मतलब अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा? अरे ओनली ओनली मैक्स जैसी फिटनेस भी डाल दिया ना तो निकल के आ जाएगी मेरी ये लोकेशन। अच्छा हाँ मैक्स जैसी फिटनेस डालने से ही, और फिर यहाँ आके पता चल जाता है, ये बिल्डिंग देख के लोग पता चल जाए, अरे यहाँ पे तो रील बनती है, रील है भाई। मैं वही तो कह रहा भाई, हाँ। जब इतने नशे हैं तो फिर यही वाला नशा नहीं, इससे अच्छा कोई नशा ही नहीं है दुनिया में, बना ही नहीं है कोई इससे अच्छा नशा। ये बेस्ट है, ये मजा आता है इसमें बहुत। मेरा बेसिक पता है भाई मेरा क्या वो होता है, जैसे लोग जिम भी जाते हैं ना, तो भाई ऐसा है बच्चों की मेहनत के बाद आ चुके हैं मेरी खुद की पर्सनल मेहनत, और भारत हो रहा है भैया वार्म अप, देख लिया छाती फाड़ेगा का, तो भाई बच्चे जोर कर रहे हैं, ये बात भाई करा रहे हैं जोर, ये बात। और अपनी बारी आने वाली है थोड़ी देर में, you
तो भाई देखो मेहनत हो गई कंप्लीट और नस पे नस चढ़ रही है आज बहुत ज्यादा। तो भाई वेट भी बहुत लॉस हो चुका है देख लो यार। और भाई घी आ चुका है अपना देखो पत्ती देसी ठीक है। और भाई अरे यार अब मेरे भी लौकी माँ बहन एक हो गई। अच्छा भाई साहब देखो यार भिंडी कटवा रहा हूँ। भिंडी क्यों भाई देखो मौसम ना आज भिंडी भाई है तो मैं फिर कहता हूँ आप कहोगे कि भिंडी का क्यों है। मैं वेट लॉस कर रहा हूँ बाबा जी घर थोड़ी यार कुछ भी वैसा बनवाऊंगा ना तो थोड़ा सा यार वेट पे फिर थोड़ा काम करना पड़ रहा है। तो सब्जी आज नॉर्मल बिल्कुल कल मिक्स वेज खाई थी आज भिंडी चलेगी। भिंडी चलेगी पक्का यार ये बॉकी चला देगा हॉकी क्या टिड्डी। तो भाई अपनी भिंडी हो चुकी है रेडी और खाने के लिए बहुत सारे हलंदा एक लेट रहा है एक बैठा है और इधर रोटी। ओहो हो 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 भाई साहब कीचड़ में कमल खिलता है यहाँ पे हमारा सुशील खिला हुआ है ये देखो भाई एक तरफ जल्दी खींच दे भाई रोटियों को काम क्योंकि भाई रात हो रही है मुझे भी घर पहुँचना है भाई साहब। ये मेरा भीजा हुआ ऊपर रखा है उधर हेडफोन इधर मेरी भिंडी रेडी है और भाई साहब खा के पी के अपने घर चले। एक ऐसा टाइम था यहीं पर खा के यहीं पर लौटते थे लेकिन आज मेरा नसीब देखो खोटा और प्लस में मैं घर लेटा लेटा हो गया हूँ मोटा यहाँ पे शरीर घटाने आता हूँ छोटा सा और हाँ थोड़ा थोड़ा बस यही चल रहा है। अरे जल्दी ला रोटी आ रहे तो मत करो भैया भाई सब चून आ गया तालियां तालियां चून आ गया। अच्छा चुप धरती ब्लॉग बनती नीचे को कभी नापते हुए देख ले को कभी कोई देख ले नापते हुए सोता दो रोटी रख दे करो बस। ए यार एक सामने यार व्लॉग में तो यार रोटी दो चार धरे के दिखाई करो अब देखे को चून चून धर दे पता चल गई कि चून तोड़ा आए बाबा की दया लपेट दे बाबा की दया। भाई रोटी लपेट के पहुंच गए अपने अखाड़े पे सुबह का टाइम और भाई साहब मौसम बहुत ही अच्छा है धूप निकली हुई आज और अकेला बैठा हूँ अखाड़े पे मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो मैंने बुला लिया अपने भाई को मेरा भाई एक ही है भाई राजेश उसको मैंने बुला लिया है कि भाई राजेश आ जा यार मैं मेहनत करता रहूँगा दोनों बतलाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे यार प्यार प्यार से। तो थोड़ी देर में पहुँचने वाला है तब तक मैं वॉर्म अप खोलूँ बढ़िया करके। आज कोई नहीं है सुहाना पड़ा है पूरा ग्राउंड देख रहे हो यार मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो भाई किसी को भी ऐसे ही कोई बोर हो रहा हो अपने घर पे तो आके मेरे साथ वर्कआउट कर सकता है। मैं मतलब यहाँ दिन में अब मिलूँगा कोशिश करूँगा यार मैं कुछ भाई जो भी आए उसके साथ वर्कआउट कर सकूँ। ऐसे ही कुछ लोग मायूस होकर चले जाते हैं कभी कभी कि भाई मैक्स भाई तो मिले ही नहीं है और खुद ही अपना वर्कआउट कंप्लीट करके चले जाते हैं डंबल वम्बल मार के चले जाते हैं यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको मैं मिलूँ यहाँ और खुशी भी होगी भाइयों को मिलके और मुझे भी उनसे मिलके खुशी होगी। तो भाई मैं 9 बजे यहाँ मैक्सिमम 9 बजे यहाँ मिलूँगा ही मिलूँगा आप लोगों को ठीक है 9 से 10 के बीच आना और मैं आपको यहाँ पर मिल जाऊँगा। दिन में शाम का मैं कह नहीं सकता लेकिन दिन में मैं मिल सकता हूँ आप लोगों को ठीक है जिसको भी आना है। अब मैं वर्कआउट शुरू करूँ ये बकलोली बहुत हो गई यार। अरे भाई साहब ऐसा है मज़ा आ गया करके मेहनत अपनी पलटी हो गई कंप्लीट। और मैं और राजेश ज़िंदगी के सफ़र के शुरुआत में मैं और राजेश थे अभी भी मैं और राजेश ही हैं और भगवान की ऐसी कृपा रहे नज़र न लगे मैं और राजेश ही रह जाएं। ये है मज़ेदारी भाई ज़िंदगी की दोस्ती करो देख के ठीक है। और भाई साहब अब थोड़ा डाइट वाइट लेंगे थोड़ी सी सोच रहा हूँ कोई डम्बल वम्बल मार लूँ तो वीडियो घनी बड़ी हो जाएगी भाई फिर परेशानी होगी आपको देखने में। तो वीडियो कहीं पे करते हैं समाप्त मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ पड़े चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में।